देखिए मेरे आलू की कचौड़ियाँ, ठंड में आलू की कचौड़ी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं हाय, मेरा प्रीति प्रीति की लाइफ स्टाइल मुंबई में फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए आलू की कचौड़ियाँ लेकर आई हूँ और बहुत टेस्ट बन के टेस्टी बनती है। और इसमें जो मैंने सूजी बनाया है उसकी जो टेस्ट आता है वो अलग तरीके से आता है। इस वीडियो का पूरा वॉच कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा मैंने कचौड़ी कैसे बनाई है। अगर आप नए हैं उसे स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो बेल आइकन के साथ मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें शेयर करें। चलिए तब आगे बट इसकी देखिए स्टफिंग आपको मैं दिखा देती हूँ अंदर से। ये देखिए तो चलिए ये मैंने कैसे बनाया है इसे आपको मैं बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते बनाना, लेकिन पूरा वॉच कीजिएगा इसे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक बड़ा बाउल आटे का ले लिया है और ये छोटा बाउल मैंने सूजी ले ली, इसे भी हम ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, फिर उसके बाद हम जीरा ऐड कर देंगे और उसके बाद हम ये मोहन डालेंगे ताकि हमारी कचौड़ी जो है खस्ता और क्रिस्पी बने। और इसके बाद हम अच्छे से इसको मोहन लगा लेंगे इसको। देखिए इससे सूजी मिलाने से ना इसका टेस्ट बहुत कचौड़ी का तो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाता है। ये देखिए सारे जो है ऑयल मिला अच्छे से मिल गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम डो लगा लेंगे और डो हमें थोड़ा सा ढीला लगाना है ताकि जो हमारी कचौड़ियाँ हैं वो अच्छे से बन सके। इस तरीके से हम डो लगा लेंगे। ये देखिए मेरा डो जो है लग के तैयार हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट लगा है। इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल लेके इसके ऑयल लगा लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो है आटा मेरा सेट हो जाए। अब इसके बाद हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। ये मैंने 4 बड़े आलू लिए हैं, इसे बॉईल कर लिया छीले। अब इसके बाद हम इसे मैश करेंगे अच्छे से। ये आलू मैंने मैश कर लिया है। अब इसके लिए मैंने 2 बड़ी हरी मिर्च ली हैं, लाल मिर्च और थोड़ा सौंफ लिया है, दरदरा मैंने कूट लिया है इसको और हरी धनिया। तो सबसे पहले हम इसमें लाल हरी मिर्च डालते हैं और मिर्च आप जैसे आप खाते हो तीखा उस हिसाब से डाल दीजिएगा। और उसके बाद इसमें सौंफ, हरी धनिया, हरी धनिया डालने से टेस्ट बढ़ जाता है। और उसके बाद हम 1/2 चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। अब इसे सब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए मेरी स्टफिंग जो है तैयार हो चुकी है। स्टफिंग जब ठंडी हो जाए तभी आप कचौड़ी में भरिएगा, नहीं तो आपकी कचौड़ी जो है फट जाएंगी। और जो स्टफिंग है उनके ये इसमें आटा मैंने रख दिया जो अब सेट हो चुका आटा। अब चलिए और गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें ऑयल गर्म होता है तो हम कचौड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम एक लोई लेंगे, पेड़े बनाएंगे और बेलने की ज़रूरत नहीं। अगर बेलना चाहते हैं तो बेल भी पड़ सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से करके इसमें स्टफिंग भर दीजिए और अच्छे से इसे प्रेस कर दीजिए और इस तरीके से करके हाथ से आप अच्छे से बना सकते हैं। इस तरीके से हम सारी कचौड़ियाँ बना के रख लेंगे तो हमारा तेल गर्म होता है। देखिए मेरी कचौड़ियाँ बनके रेडी हो चुकी हैं। आप बेलना चाहते हैं तो बेल सकते हैं, लेकिन आप हाथ से बना सकते हैं। जी मैंने अब मेरा तेल गर्म हो चुका है तो इसको स्लो कर देंगे। हमें ये कचौड़ियाँ स्लो फ्लेम पे ही पकानी ताकि अंदर तक मेरी कचौड़ियाँ अच्छे से पक सके। और जितनी कढ़ाई में आपके आए उतनी ही डालिएगा ताकि आपको पलटने में परेशानी ना हो। मेरी 4 आ चुकी है और इसे स्लो फ्लेम में जाएंगे, जब तक सुनहरा ना हो तब तक हम इसे पकाएंगे। मेरी स्टफिंग बहुत सिंपल तरीके से आपको लगी लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। तो इसको हम स्लो आंच में पकाएंगे जब तक सुनहरा नहीं हो जाता है। देखिए मेरी कचौड़ियाँ फूलना स्टार्ट हो गई हैं। अब इसे हम पलट के दूसरी तरफ पका लेंगे ताकि दोनों तरफ से मेरी अच्छी सी कचौड़ियाँ पक जाए। खाने में बड़ी टेस्टी लगती है, इसमें सूजी का जो टेस्ट आता है ना बहुत अच्छा लगता है। चलिए दूसरी तरफ पका लेते हैं हम लोग।
ये देखिए मेरी कचौड़ियाँ जो है एकदम पक के रेडी हो चुकी है। अब इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं। देखिए कितनी अच्छी बनी है, फुली फुली। तो इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी कचौड़ियाँ बहुत टेस्टी बनेंगी। और सुबह के ठंड हो और सुबह के टाइम कचौड़ियाँ अगर आलू की मिल जाए तो कहते हैं ना, इससे बढ़िया कोई नाश्ता नहीं होता है सुबह। और बहुत अच्छी लगती हैं ठंड में कचौड़ियाँ। ये देखिए दिमाग, इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेंगे। हाँ ये देखिए, और इसके बाद हरी धनिया की चटनी के साथ आप इंजॉय कीजिए, खाइए इसे। और ये बहुत टेस्टी बनती है और इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर भी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे मुझे सपोर्ट करिएगा। और तब तक के लिए बाय, और एक नई रेसिपी के साथ फिर मैं हाजिर होगी। तब तक के लिए बाय।